من بسم الرحمن अपने परवरदिगार से डरो कि क्यामत का जल्जिला एक हादसा अजीम है मुखातब जिस दिन तू उसको देखेगा उस दिन ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे और लोग तुझको मतवाले नजर आएंगे मगर वो मतवाले नहीं होंगे बल्कि अजाब देखकर कर मदहोश हो रहे होंगे बेशक खुदा का अजाब बड़ा सख्त है और बाज लोग ऐसे हैं जो खुदा की शान में इल्म और दानिश के बगैर झगड़ते और हर शैतान सरकश की पैरवी करते हैं जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो उसे दोस्त रखेगा तो वो उसको गुमराह कर देगा और दोजख के अजाब का रास्ता दिखाएगा हो तो अगर तुमको मरने के बाद जी उठने में कुछ शक हो तो हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया था यानी इब्तिदा में मट्टी से फिर उससे नुतफा बनाकर फिर उससे खून का लोथड़ा बनाकर फिर उससे बोटी बनाकर जिसकी बनावट कामिल भी होती है और नाकस भी ताकि तुम पर अपनी खालिकियत जाहिर कर दें और हम जिसको चाहते हैं एक म्याद मुक्र तक पेट में ठहराए रखते हैं फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालते हैं फिर तुम जवानी को पहुंचते हो और बाज कबल पीरी मर जाते हैं और बाज शेख फानी हो जाते और बुढ़ापे की नहायत खराब उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ जानने के बाद बिल्कुल बेइल्म हो जाते हैं और ए देखने वाले तू देखता है कि एक वक्त में जमीन खुश्क पड़ी होती है फिर जब हम उस पर मेह बरसाते हैं तो वो शादाब हो जाती और उभरने लगती है और तरह तरह की बारौनक चीजें उगाती है इन कुदरतों से जाहिर है कि खुदा ही कदर मुतलक है जो बरहक है और ये कि वो मुर्दों को जिंदा कर देता है और ये कि वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है और ये कि कयामत आने वाली है इसमें कुछ शक नहीं और ये कि खुदा सब लोगों को जो खबरों में हैं, जिला उठाएगा और लोगों में कोई ऐसा भी है जो खुदा की शान में बगैर इल्मानश के और बगैर हिदायत के और बगैर किताब रोशन के झगड़ता है अब तकबर से गर्दन मोड़ लेता है ताकि लोगों को खुदा के रस्ते से गुमराह कर दे उसके लिए दुनिया में जिल्लत है और कयामत के दिन हम उसे अजाब आतिश सोजा का मजा चखाएंगे ऐसर ये उस कुफ्र की सजा है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा है और खुदा अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं और बाज ऐसा भी है जो किनारे पर खड़ा होकर खुदा की इबादत करता है अगर उसको कोई दुनियावी फायदा पहुंचे तो उसके सब मुतम हो जाए और अगर कोई आफत पड़े तो मुंह के बल लौट जाए यानी फिर काफिर हो जाए उसने दुनिया में भी नुकसान उठाया और आखिरत में भी यही तो नुकसान सरी है यह खुदा के सिवा ऐसी चीज को पुकारता है जो ना उसे नुकसान पहुंचाए और न फायदा दे सके यही तो परले दर्जे की गुमराही है बल्कि ऐसे शख्स को पुकारता है जिसका नुकसान फायदे से ज्यादा करीब है ऐसा दोस्त भी बुरा और ऐसा हम सोहबत भी बुरा जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे खुदा उनको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें चल रही हैं कुछ शक नहीं कि खुदा जो चाहता है करता है जो शख्स यह गुमान करता हो कि खुदा उसको दुनिया और आखिरत में मदद नहीं देगा तो उसको चाहिए कि ऊपर की तरफ यानी अपने घर की छत में एक रस्सी बांधे फिर उससे अपना गला घोंट ले फिर देखे कि आया यह तदबीर उसके गुस्से को दूर कर देती है और इसी तरह हमने इस कुरान को उतारा है जिसकी तमाम बातें खुली हुई हैं और यह याद रखो कि खुदा जिसको चाहता है हिदायत देता है जो लोग मोमिन यानी मुसलमान हैं और जो यहूदी हैं और सितारा परस्त और ईसाई और मजूसी और मुशरिक खुदा उन सब में कयामत के दिन फैसला कर देगा बेशक खुदा हर चीज से बाखबर है कि तुमने नहीं देखा कि जो मखलूक आसमानों में है और जो जमीन में है और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और चारपाए और बहुत से इंसान खुदा को सजदा करते हैं और बहुत से ऐसे हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका है और जिस शख्स को खुदा जलील करे उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं बेशक खुदा जो चाहता है करता है दो तो फरीक एक दूसरे के दुश्मन अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ते हैं तो जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े पता किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा उससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी और तो उनके मारने ठोकने के लिए लोहे के हथोड़े होंगे जब वो चाहेंगे कि उस रन जो तकलीफ की वजह से दोजक से निकल जाएं, तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा जलने के अजाब का मजा चकते रहो जो लोग ईमान लाए और अमल करते रहे खुदा उनको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके तले नहरें बह रही हैं वहां उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और मोती और वहां उनका लिबास रेशमी होगा और को पाकिजा कलाम की हिदायत की गई और खुदाए हमीद की राह बताई गई जो लोग काफिर हैं और लोगों को खुदा के रस्ते से और मस्जिद मोहतरम से जिसे हमने लोगों के लिए यकसा इबादत गाह बनाया है रोकते हैं खा वो वहां के रहने वाले हों या बाहर से आने वाले और जो उसमें शरारत से कजरवी और कुफर करना चाहे उसको हम दर्द देने वाले अजाब का मजा चखाएंगे एक वक्त था जब हमने इब्राहिम के लिए खान काबा को मकाम मुकर किया और इर्शाद फरमाया कि मेरे साथ किसी चीज को शरीक न कीजो और तवाफ करने वालों और क्याम करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को साफ रखा करो लोगों में हज के लिए निदा कर दो कि तुम्हारी तरफ पैदल और दुबले दुबले ऊंटों पर जो दूर दराज रस्तों से चले आते हों सवार होकर चले आए ताकि अपने फायदे के कामों के लिए हाजिर हों और कुर्बानी के अयाम मालूम में चार पाया मवेशी के जिबा के वक्त जो खुदा ने उनको दिए हैं उन पर खुदा का नाम लें उसमें से तुम खुद भी खाओ और फ़ीर दरमानदा को भी खिलाओ फिर चाहिए कि लोग अपना मैल कुचैल दूर करें और नजरें पूरी करें और खान कदीम यानी बैतल्ला का तवाफ करें यह हमारा हुक्म है और जो शख्स अदब की चीज़ों की जो खुदा ने मुकर की हैं अजमत रखे तो ये परवरदिगार के नज़दीक उसके हक में बेहतर है और तुम्हारे लिए मवेशी हलाल कर दिए गए हैं सिवा उनके जो तुम्हें पढ़ कर सुनाए जाते हैं तो बुतों की पलीदी से बचो और झूठी बात से इज्तनाब करो सिर्फ एक खुदा के होकर और उसके साथ शरीक न ठहरा कर और जो शख्स किसी को खुदा के साथ शरीक मुकर करे तो वो गोया ऐसा है जैसे आसमान से गिर पड़े फिर उसको परिंदे उचक ले जाए या हवा किसी दूर जगह उड़ाकर फेंक दे ये हमारा हुक्म है और जो शख्स अदब की चीजों की जो खुदा ने मुकर्र की है अजमत रखे तो ये फेल दिलों की परहेजगारी में से है इनमें एक वक्त मुकर तक तुम्हारे लिए फायदे हैं फिर इनको खान कदीम यानी बैतल्ला तक पहुंचना और जिबा होना है हमने हर एक उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीक मुकर्र कर दिया है ताकि जो मवेशी चार पाए खुदा ने उनको दिए हैं उनके ज़िबा करने के वक्त उन पर खुदा का नाम लें सो तुम्हारा मबूद एक ही है तो उसी के फर्मा हो जाओ और आजजी करने वालों को खुशखबरी सुना दो वो लोग हैं कि जब खुदा का नाम लिया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो सब्र करते हैं और नमाज आदाब से पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं और कुर्बानी के ऊंचों को भी हमने तुम्हारे लिए शायर खुदा मुकर किया है इनमें तुम्हारे लिए फायदे हैं तो कुर्बानी करने के वक्त कतार बांध कर उन पर खुदा का नाम लो जब पहलू के बल गिर पड़े तो उनमें से खाओ और कनात से बैठ रहने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ इस तरह हमने उनको तुम्हारे जेर फरमान कर दिया है ताकि तुम शुक्र करो खुदा तक न उनका गोश्त पहुंचता है और न खून बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है इसी तरह खुदा ने उनको तुम्हारा मुसखर कर दिया है ताकि उस बात के बदले कि उसने तुमको हिदायत बख्शी है उसे बुजुर्गी से याद करो और ए पैगम्बर सल्ला नेकूकारों को खुशखबरी सुना दो खुदा तो मोमिनों से उनके दुश्मनों को हटाता रहता है बेशक खुदा किसी खयानत करने वाले और कुफरान नेमत करने वाले को दोस्त नहीं रखता जिन मुसलमानों से खाम लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वो भी लड़ें क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है और खुदा उनकी मदद करेगा वो यकीन उनकी मदद पर कादिर है ये वो लोग हैं कि अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए इन्होंने कुछ कसूर नहीं किया हाँ ये कहते हैं कि हमारा परवरदिगार खुदा है और अगर खुदा लोगों को एक दूसरे से ना हटाता रहता तो राहिबों के सुमये और ईसाइयों के गिरजे और यहूदियों के इबादत खाने और मुसलमानों की मस्जिदें जिनमें खुदा का बहुत सा जिक्र किया जाता है गिराई जा चुकी होती और जो शख्स खुदा की मदद करता है खुदा उसकी जरूर मदद करता है बेशक खुदा तोाना और गालिब है ये वो लोग हैं कि अगर हम इनको मुल्क में दस्तरस दें तो नमाज पढ़ें और जक़ात अदा करें और नेक काम करने का हुक्म दें और बुरे कामों से मना करें और सब कामों का अंजाम खुदा ही के इख्तियार में है और ये लोग तुमको झुटलाते हैं तो उनसे पहले नूह की कौम और आद और समूद भी अपने पैगम्बरों को झुटला चुके हैं कौम इब्राहिम और कौम लूत भी अध्ययन के रहने वाले भी और मूसा भी तो झुटलाए जा चुके हैं लेकिन मैं काफिरों को मोहलत देता रहा फिर उनको पकड़ लिया तो देख लो कि मेरा अजाब कैसा सख्त था और बहुत सी बस्तियां हैं कि हमने उनको तबाह कर डाला कि वो नाफरमान थीं सो वो अपनी छतों पर गिरी पड़ी हैं और बहुत से कुएं बेकार और बहुत से महल वीरान पड़े हैं क्या उन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की ताकि उनके दिल ऐसे होते कि उनसे समझ सकते और कान ऐसे होते कि उनसे सुन सकते बात यह है कि आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल जो सीनों में है वो अंधे होते हैं और ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं और खुदा अपना वादा हरगिज़ खिलाफ नहीं करेगा और बेशक तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक एक रोज तुम्हारे हिसाब के रू से हजार बरस के बराबर है और बहुत सी बस्तियां हैं कि मैं उनको मोहलत देता रहा और वो नाफरमान थीं फिर मैंने उनको पकड़ लिया और मेरी ही तरफ लौट कर आना है ए पैगम्बर सल्ला वसल्लम कह दो कि लोगो मैं तुमको खुल्लम खुल्ला नसीहत करने वाला हूँ तो लोग ईमान लाए और काम नेक किए उनके लिए बख्शिश और आबरू की रोजी है जिन लोगों ने हमारी आयतों में अपने ज़ो में बातिल में हमें आजिज़ करने के लिए सही की वह अहल दोजक हैं और तुमसे पहले कोई रसूल और नबी नहीं भेजा मगर उसका यह हाल था कि जब वो कोई आरजू करता था तो शैतान उसकी आरजू में वसवसा डाल देता था तो जो वसवसा शैतान डालता है खुदा उसको दूर कर देता है फिर खुदा अपनी आयतों को मजबूत कर देता है और खुदा इल्म वाला और हमत वाला है यह है कि जो वसवसा शैतान डालता है उसको उन लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है और जिनके दिल सख्त है जरिया आजमाइश ठहराए बेशक जालिम परले दर्जे की मुखालिफत में है यह भी गरज है कि जिन लोगों को इल्म इल्मा हुआ है वो जान लें कि वो यानी वही तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है तो वो उस पर ईमान लाएं और उनके दिल खुदा के आगे आजजी करें और जो लोग ईमान लाए हैं खुदा उनको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है और काफिर लोग हमेशा इससे शक में रहेंगे यहाँ तक कि क्यामत उन पर नागहा आ जाए या एक नामुबारक दिन का अजाब उन पर आ हो तो उस बातशाही खुदा ही की होगी और वो उनमें फैसला कर देगा तो जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे वो नेमत के बागों में होंगे और जो काफिर हुए और हमारी आयतों को झुटलाते रहे उनके लिए जलील करने वाला अजाब होगा और जिन लोगों ने खुदा की राह में हिजरत की फिर मारे गए या मर गए उनको खुदा अच्छी रोजी देगा और बेशक खुदा सबसे बेहतर रिज्क देने वाला है वो उनको ऐसे मकाम में दाखिल करेगा जिसे वो पसंद करेंगे और खुदा तो जानने वाला और बुर्दबार है ये बात खुदा के हाथ ठहर चुकी है और जो शख्स किसी को उतनी ही ईजा दे जितनी ईजा उसको दी गई फिर उस शख्स पर ज्यादती की जाए तो खुदा उसकी मदद करेगा बेशक खुदा माफ करने वाला और बख्शने वाला है यह इसलिए कि खुदा रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है और खुदा तो सुनने वाला देखने वाला है इसलिए कि खुदा ही बरहक है और जिस चीज को काफिर खुदा के सिवा पुकारते हैं वो बातिल है और इसलिए कि खुदा रफी और बड़ा है क्या तुम नहीं देखते कि खुदा आसमान से बरसाता है तो जमीन सरसब्ज हो जाती है बेशक खुदा मेहरबान और खबरदार है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है उसी का है और बेशक खुदा बेनियाज और काबिल नहीं देखते कि जितनी चीजें जमीन में हैं सब खुदा ने तुम्हारे जेर फरमान कर रखी हैं और कश्तियां भी जो उसी के हुक्म से दरिया में चलती हैं और वो आसमान को था में रहता है कि जमीन पर न गिर पड़े मगर उसके हुक्म से बेशक खुदा लोगों पर निहायत शफकत करने वाला मेहरबान है और वही तो है जिसने तुमको हयात बख्शी फिर तुमको मारता है फिर तुम्हें जिंदा भी करेगा और इंसान तो बढ़ाना शुक्रा है हमने हर एक उम्मत के लिए एक शरीयत मुकर कर दी है जिस पर वो चलते हैं तो ये लोग तुमसे इस अम्र में झगड़ा न करें और तुम लोगों को अपने परवरदिगार की तरफ बुलाते रहो बेशक तुम सीधे रस्ते पर हो अगर ये तुमसे झगड़ा करें तो कह दो कि जो अमल तुम करते हो खुदा उनसे खूब वाकिफ है जिन बातों में तुम इख्तलाफ करते हो खुदा तुम में क्यामत के रोज उनका फैसला कर देगा क्या नहीं जानते कि जो कुछ आसमान और जमीन में है खुदा उसको जानता है यह सब कुछ किताब में लिखा हुआ है बेशक यह सब खुदा को आसान है ये लोग खुदा के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जिनकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं फरमाई और ना उनके पास उसकी कोई दलील है और जालिमों का कोई भी मददगार नहीं होगा गरीब होते हैं कि जो लोग उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं उन पर हमला कर दें कह दो कि मैं तुमको इससे भी बुरी चीज बताऊं वो दोजक की आग है जिसका खुदा ने काफिरों से वादा किया है और वो बुरा ठिकाना है लोगों एक मिसाल बयान की जाती है उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम खुदा के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते अगरचे उसके लिए सब मुश्तमा हो जाए और अगर उनसे मक्खी कोई चीज छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते तालिब और मतलूब यानी आबिद और मबूद दोनों गए गुजरे हैं उन लोगों ने खुदा की कदर जैसी करनी चाहिए थी नहीं की। कुछ शक नहीं कि खुदा जबरदस्त और गालिब है खुदा फरिश्तों में से पैगाम पहुंचाने वाले मुंतखब कर लेता है और इंसानों में से भी बेशक खुदा सुनने वाला और देखने वाला है जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है वो उससे वाकिफ है और सब कामों का रुझू खुदा ही की तरफ है रुकू करते और सजदे करते और अपने परवरदिगार की इबादत करते रहो और नेक काम करो ताकि फलाह पाओ और खुदा की राह में जिहाद करो जैसा जिहाद करने का हक है उसने तुमको बरगुजीदा किया है और तुम पर दीन की किसी बात में तंगी नहीं की और तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन पसंद किया उसी ने पहले यानी पहली किताबों में तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था और इस किताब में भी वही नाम रखा है तो जिहाद करो ताकि पैगंबर तुम्हारे बारे में शाहिद हों और तुम लोगों के मुकाबले में शाहिद हो और नमाज पढ़ो और जक़ात दो और खुदा के दीन की रस्सी को पकड़े रहो वही तुम्हारा दोस्त है और खूब दोस्त और खूब मददगार है